आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन दार्शनिक थे। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। अपने आप में खुशी खोजना मुश्किल है, लेकिन इसे कहीं और खोजना असंभव है। बुरे विचार और व्यर्थ प्रयास धीरे धीरे चेहरे पर, खासकर आंखों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की खुशी के लिए स्वास्थ्य का त्याग करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अधिकांश पुरुष सोचने में सक्षम नहीं है, लेकिन केवल विश्वास करने में सक्षम है, और तर्क के लिए नहीं बल्कि केवल अधिकार के लिए उपलब्ध है। मनुष्य जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता जो वह चाहता है। जीवन छोटा है और सत्य दूर काम करता है और लंबा रहता है। आइए हम सच बोलते हैं। साधारण लोग केवल यही सोचते हैं कि वे अपना समय किस प्रकार व्यय करेंगे। प्रतिभावान व्यक्ति इसका उपयोग करने का प्रयास करता है। धन समुद्र के पानी की तरह है, जितना अधिक हम पीते हैं हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं, और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। ज्यादातर यह नुकसान है जो हमें चीजों के मूल्य के बारे में सिखाता है। जो व्यक्ति मूर्खों के लिए लिखता है वह हमेशा बड़े दर्शकों के लिए सुनिश्चित होता है। हम अन्य लोगों की तरह बनने के लिए अपना 3/4 हिस्सा खो देते हैं। विवाह का अर्थ है अपने अधिकारों को अदा करना और अपने कर्तव्यों को दोगुना करना। बहुत दुखी ना होने का सबसे सुरक्षित तरीका है बहुत खुश होने की उम्मीद ना करना। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारे पास क्या है, लेकिन हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसकी हमारे पास कमी है। इसलिए आभारी होने के बजाय हम कड़वे हैं। हर संपत्ति और हर खुशी अनिश्चित समय के लिए संयोग से दी जाती है, और इसलिए अगले घंटे वापस मांगा जा सकता है। यदि मनुष्य एकांत से प्रेम नहीं करता तो वह स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि जब वह अकेला होता है तब ही वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो चुप रहना मुश्किल है। अपने सुधार के लिए हमें एक आईने की जरूरत है। अशिष्ट लोग महापुरुषों के दोषों और मूर्खताओं से बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वास्थ्य के साथ सब कुछ आनंद का स्रोत है, इसके बिना और कुछ नहीं। चाहे कुछ भी हो आनंददायक है। स्वास्थ्य मानव सुख में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वह जो लापरवाही से लिखता है वह शुरू में ही स्वीकार करता है कि वह अपने विचारों को ज्यादा महत्व नहीं देता है। विद्वान वे हैं जिन्होंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन विचारक, प्रतिभाशाली व्यक्ति, विश्वज्ञानी और मानव जाति के सुधारक वे हैं जिन्होंने सीधे दुनिया की पुस्तक में पढ़ा है। सभी सत्य 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले इसका उपहास किया जाता है, दूसरा इसका हिंसक रूप से विरोध किया जाता है, तीसरा इसे स्वयं सिद्ध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। सुख उन्हीं को मिलता है जो अपने लिए पर्याप्त होते हैं। खुशी और आनंद सभी बाहरी स्रोतों के लिए उनके स्वभाव से अत्यधिक अनिश्चित, अल्पकालिक और मौका के अधीन है। घरेलू पालतू जानवर हमारे लिए इतने प्यारे और इतने मददगार होने का कारण यह है कि वे चुपचाप और शांति से वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविक और एकमात्र निश्चितता है। बुद्धि तीव्रता का परिमाण है, विस्तार का परिमाण नहीं। मनुष्य कभी सुखी नहीं होता बल्कि अपना पूरा जीवन उस चीज के लिए प्रयास करने में लगा देता है जिसे वह सोचता है कि वह उसे ऐसा बना देगा। टैलेंट उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसे अन्य कोई नहीं भेद सकता, लेकिन जीनियस उस लक्ष्य को भेद सकता है जिसकी अन्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
हमें असामान्य चीजों को कहने के लिए सामान्य शब्दों का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर मानव जाति की सारी कमजोरी देखता है, वकील सारी दुष्टता, धर्मशास्त्री सारी मूर्खता। मानव सुख के दो शत्रु हैं, दुख और निरस्ता। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।